हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और आज का मौसम बहुत ही खुशनुमा होता हुआ और धूप खिली खिली और तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। और आज हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ रहे थे। देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी या हिंदी में कह लीजिए चाल और वेग, ठीक है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दी थी। मिस्टेक क्या कर दी थी कि देखिए, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसमें होता है, इसको कहते हैं दूरी और इसे कहते हैं चलिए ठीक है इसे कहते हैं दूरी और इसे कहते हैं विस्थापन, ठीक है। देखिए, एक चीज़ देखिएगा, मैंने भी आपको बताया था। देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, अब आपने बचपन में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए, यूनिट होती है दूरी को हम लोग इसमें नापते हैं। हमें बताया था दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो मैंने आपको पद्धति बताई थी SI पद्धति और MKS, लेकिन हम लोग लेके क्या चलते हैं, SI लेके चलते हैं। तो SI में दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी मीटर में, ठीक है। दूरी किस में ली जाएगी, मीटर में। और समय किस में लिया जाएगा, समय लिया जाएगा सेकंड में, सेकंड में लिया जाएगा। तो इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। देखिए, विस्थापन, देखिए विस्थापन क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा, पर इसका एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी, इसको हम लोग लिखते हैं वेग, हिंदी में देख लीजिए वेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, विस्थापन बटा समय। अब मैंने आपको बताया था, देखिए विस्थापन भी किस में होता है, मीटर किलोमीटर। तो SI पद्धति में हम लोग क्या लेंगे, अगर SI पद्धति के हिसाब से चलते हैं, SI पद्धति के हिसाब से, तो विस्थापन किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। और समय किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप, इसकी यूनिट और उसकी यूनिट सेम आ रही है, पर क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाएगा। कैसे डिफरेंस हो जाएगा मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में मैंने क्या बताया था, मैंने इसको दिया था, देखिए स्पीड हो या डिस्टेंस हो, ये दोनों की दोनों क्या हैं, आपकी स्केलर स्केलर क्वांटिटी हैं। क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, मतलब अदिश राशियां, अदिश राशियां हैं। और आपका ये बताइए, वेलोसिटी हो गई या डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या हो गई, ये हो गई सदिश राशियां। क्या हो गई, सदिश राशियां, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ये आपकी हो गई वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, तो आप लोग अब अच्छे से बता सकते हैं और डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं उसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा फर्क जान लेते हैं और अच्छे से। देखिए,
मान लीजिए राम है, राम किसी आदमी का नाम है राम, ये स्टेशन ए से चला, ठीक है, और स्टेशन बी यहाँ पे है, ये दो स्टेशन है, स्टेशन ए और बी, और स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी हमने कह दिया 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है, राम ए से बी जाता है, तो दूरी और विस्थापन बताओ, दूरी और विस्थापन क्या होगा। देखिए यहाँ देखिएगा, राम है ए से चला और बी तक पहुँचा, तो दूरी या डिस्टेंस क्या होगी बताइए। मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, अगर जिसके नहीं लिख पाऊंगा मैं इंग्लिश बोल दूंगा, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। दूरी क्या होगी ए से बी तक की, भाई यहाँ से चला यहाँ तक पहुँचा, कोई नहीं एक ही मार्ग है हमारे पास दिख रहा है, तो 5 किलोमीटर लिख दिया हमने। और अगर हम लोग बोले कि विस्थापन, विस्थापन कितना है, देखिए ये यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, विस्थापन में एक काम करिएगा आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लिख दीजिएगा, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, क्योंकि देखिए ए से चला और बी तक जाता है, यहाँ से चला यहाँ तक गया, बस। विस्थापन क्या होगा, स्टार्ट से एंड तक पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। देखिए दोनों एक चीज़ आ गई, ठीक है, ये हो गया पहले तरह का क्वेश्चन। अब इसी में मैं क्वेश्चन दूसरा लिखता हूँ, क्वेश्चन टू में क्या लिखता हूँ कि राम, इसको भी हटा देता हूँ, राम ए से बी जाता है और फिर से बी से ए आ जाता है, आ जाता है, तो अब यहाँ पे दूरी और विस्थापन बताना है। अब यहाँ पे फिर से दूरी और विस्थापन बताना है, देखिए क्या होगा, राम है ए से बी पे गया, ठीक है, मान लिए यहाँ से चला और बी तक, इस रास्ते से गया यहाँ पे बी पहुँच गया और फिर बी से ए पे आ जाता है, अब दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा बताइए। देखिए आपको पता है कि रेलवे की डेट आगे बढ़ चुकी है, अब 21, 22, 23 दिसंबर जनवरी हो चुकी है, तो हम लोग के पास समय है, आराम से हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। अब देखिए दूरी क्या होगा, ए से बी, राम ए से बी चला, ठीक है, देखिए दूरी क्या होती है, जितना उसने ट्रैवल किया, जितना वो घूमते घामते जहाँ पे भी जिस रास्ते पे गया, वो पूरी की पूरी डिस्टेंस हम लोग दूरी पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दूरी क्या होगी, ए से बी पे गया कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, फिर बी से ए पे आया कितने किलोमीटर और चला, बी से ए पे आया 5 किलोमीटर फिर और चला, तो दूरी हो जाएगी टोटल 10, ठीक है। अब विस्थापन क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए विस्थापन में ए से स्टार्ट किया था, ए से बी पे गया और फिर बी से ए पे आ गया, एंड पॉइंट क्या हुआ, एंड पॉइंट भी ए हुआ, क्योंकि आखिर में यहाँ से चला था और घूमते हुए यहाँ से पूरा फिर यहीं आ गया, ठीक है, तो यहाँ से चला था और यहीं पे वापस आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ इसका मतलब उसने जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही विस्थापन होती है, स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कोई है ही नहीं, क्योंकि यहीं से चला था यहीं पे आ गया, यहीं पे मतलब खड़ा था यहीं पे खड़ा हो गया, ठीक है, तो विस्थापन 0 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग पर चलते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ठीक है, यहाँ से 3 रास्ते हैं इसके पास जाने के, ये पहला है रास्ता 7 किलोमीटर का, दूसरा रास्ता है 3 किलोमीटर का और ये रास्ता है 5 किलोमीटर का, मतलब 3 रास्ते हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, मान लीजिए ये दिल्ली है
स्टेशन ए दिल्ली है और स्टेशन बी मान लीजिए कोई है मुंबई है आपका, ठीक है। राम यहाँ से चला, राम राम नाम का एक आदमी है, वो यहाँ से चलता है और यहाँ तक पहुँचना है उसको। राम को क्वेश्चन में लिख देता हूँ मैं, नहीं तो आप वापस घूम के फिर से आ जाएंगे। ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी जाना है। अब ये बताइए डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताइए। देखिए डिस्टेंस क्या होगी बताइए, आप कहेंगे कि जो है ये 3 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, कोई कहेगा भाई 5 किलोमीटर जा रहा है और कोई कहेगा 7 किलोमीटर जा रहा है, तो तीनों की तीनों डिस्टेंस होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें ये देखिए डिस्टेंस में तो ये नहीं कहा जाता ना कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा रास्ता वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में होना चाहिए। डिस्टेंस में आप किसी भी रास्ते पर चले, मान लीजिए हमने ये रास्ता पकड़ लिया पहला, यहाँ से यहाँ गए 7 किलोमीटर की दूरी तय करी हमने, फिर यहाँ से यहाँ गए 3 किलोमीटर की दूरी तय करी और यहाँ से यहाँ गए 5 किलोमीटर की दूरी तय करी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वही गिनी जाएगी और वो एक सीधी लाइन के रूप में होगी, ठीक है। तो सीधी लाइन ये दिख रही है आपको, अच्छी बात है, यहाँ से यहाँ तक ये स्टार्ट पॉइंट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट में हमेशा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बना लिया करिए, कभी गलती नहीं होगी। स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, बस उतना ही होती है 3, ये हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट तीनों होगी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन सी है, ठीक है। बोला गया आपसे, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, राम गोज ए टू बी आफ्टर दैट ही goes B to C, then find distance and displacement। देखिए क्या है, राम पहले A से B पे गया, मैं आपकी दूरी ही बता देता हूँ, इसमें दूरी दी गई है A से B की दूरी 3 किलोमीटर और बी से सी की दूरी 4 किलोमीटर दी गई है। देखिए जितना मैंने लिखा है काले पेन से वो क्वेश्चन है और आंसर अब यहाँ मैं रेड पेन से दूंगा। इसमें कह रहा है कि स्टेशन ए है और बी और सी 3 स्टेशन है हमारे पास, ए से बीच बीच की दूरी कितनी है 3 किलोमीटर है और बी से सी के बीच की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर है, ये बोल रहा है। अब पहले राम ए से बी पे जाता है फिर बी से सी पे जाता है, तो मतलब जो दूरी या डिस्टेंस कितनी होगी बताइए, यहाँ से यहाँ गया 3 किलोमीटर इतना चला, फिर उसके बाद बी से सी पे गया 4 किलोमीटर इतना चला, जो हम लोग ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी है वही होती है दूरी या डिस्टेंस। इसका मैं हिंदी में मतलब बता देता हूँ क्वेश्चन का, राम गोज ए टू बी, राम ए से बी पे जाता है, आफ्टर डैट ही गोज बी टू सी, उसके बाद ये बी से सी पे जाता है, देन फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका विस्थापन। दूरी 4 + 3 = 7 हो जाएगी और इसके बाद विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा देखिए अब स्टार्ट पॉइंट क्या है, मैंने बताया था ना स्टार्ट और एंड पॉइंट बता लीजिएगा, ये हो जाएगा स्टार्ट पॉइंट, ये हो जाएगा आपका स्टार्ट पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एंड पॉइंट। अब मैंने कहा था स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट पाथ,
शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनाएंगे, एक सीधी लाइन बना देंगे इस तरह से, तो यही हो जाएगा आपकी डिस्टेंस। अब ये तो पता नहीं है मुझे, क्वेश्चन में दी भी नहीं है। अब देखिए, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय में मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसा बना हुआ है मैं उसको ऐसे मैंने इस साइड में पलट दिया है, ठीक है, पलट दिया है, तो ये जो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये मैंने 3 किलोमीटर बना ली, ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है इस तरह से 4 बना ली। अब ये बताइए कितना होता है, ये 90 डिग्री का अपने आप हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें इस तरह से 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ही जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है तो 90 डिग्री पे ही जाएगा, ठीक है, तो 90 डिग्री का ही हो गया। ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि ये होता है बेस, आधार, ये होता है आधार, ये क्या होता है, ये होता है लंब, और ये क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जब आप छोटे छोटे से रहे होंगे 2-2 साल के, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपकी दादी माँ ने सुनाया होगा, कर्ण बराबर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये पढ़ाया होगा। इंग्लिश में बता देता हूँ, आधार को कहते हैं बेस, लंब को कहते हैं हाइट कह लीजिए, और इसको हाइपरटेन्यूज, हाइपरटेन्यूज कहते हैं, ठीक है, तो हाइपरटेन्यूज बेस हाइट, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं आप, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो कर्ण जो है वो हमें निकालना है, लंब कितना दिया है बताइए, 4 दिया है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी कर्ण का होल स्क्वायर है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा कचरा साफ करते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं। अब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 16 + 9 = 25 हो जाएगा, जोड़िएगा, और ये जो होल स्क्वायर है इधर चला जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, 25 का 5, कर्ण कितना हो जाएगा, +-5, देखिए +5 भी हो सकता है -5 भी हो सकता है, क्योंकि ये पता चलता है कि जो है किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, लेकिन वहाँ आप प्लस ही लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको मैथमेटिक्स का नहीं पूछा गया है, तो आप प्लस लगाइएगा, ठीक है ना, वैसे +-2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ही +- पहले ही से निशान आ जाता है, ठीक है, आप लोग ये लगाइएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल आसान था, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ आया है एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहूँगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह लीजिए, देखिए एक सर्किल है, एक गोला है, और राम इस पॉइंट पे है, ओ पॉइंट, राम मैं लिख देता हूँ, राम स्टैंड्स ऑन पॉइंट ए, राम ए पे खड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो क्या करता है, He run and cover a whole circle. राम यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो चलता है और वो कवर करता है पूरा होल सर्किल को कवर करता है एंड स्टैंड ऑन पॉइंट ए, सॉरी ओ है लिखा है, फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखिए हिंदी में बता देता हूं कि जो है राम पॉइंट ओ से चलता है
पॉइंट ओ से चलता है, पॉइंट ओ से चला, यहां से चला, और वो पूरा एक सर्किल लेने के बाद, पूरा चक्कर लगाने के बाद पूरा चक्कर लगाने के बाद पॉइंट ओ पर दोबारा आ जाता है, दोबारा आ जाता है। तो दूरी और विस्थापन बताओ, दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। देखिए, राम यहाँ से चला, ये पॉइंट है, राम यहाँ से चला और ये पूरी डिस्टेंस कवर करने के बाद यहीं पे आ गया, तो दूरी क्या हो जाएगी। देखिए, दूरी क्या हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चला ना और यहीं पे आ गया, तो ये सर्किल का पैरामीटर होता है, सर्किल का परिमाप या परिधि कह लीजिए, जो परिधि होती है, ये पूरी डिस्टेंस परिधि कवर किया है, तो दूरी क्या हो जाएगी, परिधि के बराबर हो जाएगी, मतलब वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। और वृत्त की परिधि कितनी होती है बताइए, 2πr होती है। अगर यहाँ पे इसकी रेडियस r है तो 2πr हो जाएगी। विस्थापन कितना हो जाएगा, देखिए विस्थापन में मैंने बताया था आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लेना है, यही आपका स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा और यही आपका एंड पॉइंट हो जाएगा। तो जब यही स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही विस्थापन होती है, तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार ढंग से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसमें थोड़ा से, और क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखिए आपसे एक क्वेश्चन एक आएगा, ग्राफ आएगा आपके पास, ग्राफ क्या आएगा, देखिए ग्राफ से क्वेश्चन आएगा। अब ग्राफ से कैसे आएगा, देखिए आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपने पढ़ा है, अच्छी बात है पढ़ाएं। समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट नहीं बता रहा हूं मैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी से, टाइम से, तो स्मॉल टी होता है। और दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं आप डी से कह लीजिए, डिस्टेंस से, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ग्राफ बनाते हैं, देखिए टाइम इस साइड लेते हैं, एक्स एक्सेस ये है आपकी, एक्स एक्सेस है, ठीक है, और ये क्या है आपकी, वाई एक्सेस है। ठीक, अब हम लोग जो टी एक्स एक्सेस है उस पर हम लोग टी लेते हैं, समय लेते हैं, मतलब इस एक्सेस पे हम लोग समय ले रहे हैं, और इस एक्सेस पे हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो जो ये ग्राफ बनेगा, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ बना, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको कहते हैं, जानते क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्लोप, क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, स्लोप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा चाल को, चाल को या स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको ये याद रखना है कि इस तरह का ग्राफ आता है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, कि जो है ये जो यहाँ पे थीटा है, ये जो थीटा एंगल है, ठीक है, यही रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा है, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग अगर एक्स और वाई एक्सिस बना दें तो यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा। ठीक है ना, और इसके कहीं भी आगे चलते चले जाएं तो थीटा ही बनेगा। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है जो हमारी अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे अगर टाइम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ से टाइम बढ़ रहा है ना, ये एक था, दो था, तीन था, चार था, और यहाँ पे भी एक, दो, तीन, चार, देखिए टाइम बढ़ रहा है, इस साइड में टाइम बढ़ रहा है तो इस साइड में डिस्टेंस भी बढ़ रही है। और उसके साथ साथ देखिए आप कहेंगे स्पीड भी बढ़ रही है, पर स्पीड नहीं बढ़ रही है, अगर देखेंगे आप, ये देखिए दो टाइम था तो दो डिस्टेंस थी। ठीक है ना, इसका मतलब अगर हमें वो चाल निकालनी है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितनी है दो, और टाइम कितना है दो, कितना आ गया, वन आ गया। अगर इस पॉइंट पे आप देखेंगे, इस पॉइंट पे आप देखिए,
इस पॉइंट पे हम लोग, इस पॉइंट पे हम लोग चाल निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है, वन है, और टाइम कितना है, वन, तब भी वन आ रहा है, मतलब हर कंडीशन में वन आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि टाइम अगर बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रही है, तो आपका जो चाल है वो नियत है, कांस्टेंट है। क्या चीज़ कांस्टेंट है? आपकी चाल, चाल आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। ग्राफ से भी समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर स्लोप थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, इस तरह से एक लाइन बनी हुई है, तो आपकी कांस्टेंट चाल को बता रही है। किस चाल को बता रही है? कांस्टेंट चाल को बता रही है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस तरह से आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए गाइज, आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही हो, आप अपने दोस्तों से बता सकते हो कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, या आप लोग मुझे बताइए, कमेंट में भी लिखिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो वो भी मुझे बताइए, मेरी गलतियाँ बताइए, ठीक है, ताकि मैं सुधार सकूँ उसे। आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं त्वरण, त्वरण कहते हैं, या एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, त्वरण बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब वेग अपॉन समय, ठीक है। वेग, ये वेलोसिटी वेग को बताता है और ये समय को, ठीक है, इस तरह से। अगर इसकी यूनिट की बात करी जाए, यूनिट क्या होगी इसमें, एसआई पे, एसआई पद्धति में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति में यूनिट क्या होगी, तो वेग की क्या होती है बताइए, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर ऐसे लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड होती है। ये एम से मीटर बताता है और एस से सेकंड बताता है, और एक बड़ा सा हम लोग फिर लगा देते हैं, और टाइम की क्या होती है, फिर सेकंड होती है, सेकंड होती है, इस तरह से जो सेकंड है ये नीचे आ जाएगा और ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, समझ आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट हो जाएगी इसकी, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, देखिए त्वरण को मंदन भी कहते हैं, मंदन, मंदन और त्वरण एक ही चीज़ होती हैं, पर फर्क कहाँ आ जाता है, फर्क देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल अपनी, मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप अपनी, आपने उसमें एक्सेलरेटर होता है, आपको कहा जाता है, आप जैसे ही उस एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं तो एकदम से गाड़ी भागती है, एकदम से गाड़ी भागती है, ऐसा नहीं होता धीमे धीमे भाग रही, एकदम से गाड़ी भागती है, तो वो होता है त्वरण। अगर आप उसी एक्सेलरेटर को आप एकदम से छोड़ देते हो तो एकदम से गाड़ी में आपको झटका सा महसूस होता है और आपकी गाड़ी की स्पीड एकदम से कम होती है, तो वो होता है मंदन, ठीक है। ये अगर त्वरण होता है ये पॉजिटिव ए होता है, और मंदन कितना होता है, माइनस ए होता है, ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले, कुछ बताऊंगा, वो फॉर्मूले देख लीजिए क्या होंगे। फॉर्मूले बताने से पहले मैं एक्सेलरेशन का और टाइम का भी एक ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ, ग्राफ किसका है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण वह, मैं त्वरण का ही ग्राफ देखिए, त्वरण का ग्राफ कैसे बनता है। आपको पता है कि a बराबर क्या होता है बताइए, a बराबर होता है v अपॉन t, ये होता है। तो अगर हम लोग टाइम को x एक्सिस पे ले रहे हैं, ये टाइम को ले रहे हैं, ये t बराबर टाइम को रिप्रेजेंट करता है और v बराबर वेलोसिटी को, ये v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से ग्राफ बना, इस तरह से बना देते हैं, तो ये बताइए इसमें कांस्टेंट ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, क्या होगा, ए जीरो होगा या ए कांस्टेंट होगा या ए वेरी करेगा, वेरी करेगा, बताइए। मैंने आपको बताया था, अगर ग्राफ्स देखिए, यहाँ पे भी थीटा है, अगर इस तरह से हम लोग ऐसे करते हैं तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, और इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट होगा। ए जीरो कब होता है ये भी देख लीजिए इस जगह,
अगर यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी वी ली गई है, अगर इस तरह से ग्राफ बन के आता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर ग्राफ बन के आता है तो देखिए कोई स्लोप है, स्लोप देखिए, स्लोप होता है एक्स एक्सिस के साथ स्लोप लिया जाता है, जो स्लोप होता है, जो थीटा होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ देते हैं। देखिए एक्स एक्सिस के साथ तो कोई स्लोप बन ही नहीं रहा है ना, देखिए कोई स्लोप बन रहा है इस तरह से, कोई स्लोप नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो ये कोई स्लोप नहीं होता है, क्योंकि देखिए टाइम तो बढ़ रहा है इसमें, देखिए टाइम तो बढ़ रहा है पर वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है, वेलोसिटी एक ही जगह है, ठीक है ना, तो इसमें ए बराबर ज़ीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, ए बराबर ज़ीरो। अब ए वेरी कैसे करेगा इसका भी देख लीजिए, मान लीजिए कोई इस तरह से है, इस तरह से ग्राफ बना दिया गया और यहाँ पे ले लिया टाइम और यहाँ पे ले लिया वेलोसिटी। अब कहेंगे आप तो कहेंगे ये तो इस तरह से बन गया, नहीं देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से ग्राफ बनाएंगे एक्सेस तो यहाँ थीटा बनेगा, पर यहाँ ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा, वो फाई देखिए कुछ थीटा से बड़ा है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। अगर वेलोसिटी एक जगह ले लेते हैं, वेलोसिटी एक जगह ले लेते हो, टाइम एक जगह ले लेते हैं, तो वो ग्राफ किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, देखिए यहाँ पे थीटा हो गया पर यहाँ पे जो एंगल था वो बड़ा हो गया थीटा से कुछ, तो यहाँ पे ए वेरी कर रहा है, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर करिए, क्योंकि जो चैनल चलाने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। मैं बस कह चाहता हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, उसके बाद कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्योंकि मुझे चैनल चलाना है और चैनल चलाने के लिए इतना मिनिमम थ्रेशोल्ड रखना पड़ता है। उसके बाद मुझे किस प्रकार का कोई लालच नहीं है कि मेरा चैनल चले या ना चले, उसके बाद जिसको देखना होगा वो अपना आराम से देखेगा और जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर।